वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम लॉकिंग डिवाइस का टॉपिक कटर ज्वाइंट के बारे में बताने जा रहे हैं। कल हम कटर के बारे में और कटर ज्वाइंट के बारे में बताया था कि हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं और ये कैसा फास्टनर है और किस मटेरियल का बना हुआ रहता है। तो आज हम क्या टाइप ऑफ कटर ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। एक पहला टाइप है नकल ज्वाइंट है, और नकल ज्वाइंट में जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हमने फिगर बनाया है। ये आई इस पार्ट को आई इन बोलते हैं। ये कलर है, कलर में होल बना हुआ रहता है पिन लगाने के लिए, और ये आपका पेपर पिन है। ये आपका 22 mm डायमीटर है, यहाँ आपका 5 mm डायमीटर है। ये आपका टेपर पिन है, टेपर पिन है, ये कलर है, कलर में टेपर पिन के साइज के अनुसार होल बना हुआ रहता है, ये होल है ठीक। और ये आपका पिन है, और इसको हम बोलते हैं प्रॉक इंड बोलते हैं। और ये पूरे पार्ट हमने असेंबली करके हमने यहाँ पर दिखाया है, पूरे पार्ट हमने जोड़ा है, जोड़ के हम क्या किए हैं असेंबली किए हैं। तब हम जानेंगे कि नकल ज्वाइंट का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के ज्वाइंट को टेंशन या कंप्रेशन फोर्स में किया जाता है, और इसका उपयोग पामा ट्रांसमिट में रेसिप्रोकेटिंग मोशन को आगे पीछे चलाने वाली गति को रोटरी मोशन में बदलने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे आपने बहुत प्रकार के ऑटोमोबाइल देखे होंगे, जैसे फोर व्हीलर है, जितने फोर व्हीलर हैं जो इंजन के साथ जो शब्द कनेक्ट करता है, और जब इससे रियल एक्शन पर जो हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो शब्द और रियल एक्शन के बीच जो हम लोग रेस्पोंडिंग मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करने के लिए जो हम ज्वाइंट करते हैं वह नकल ज्वाइंट से हम लोग उपयोग करते हैं। नकल ज्वाइंट का हम लोग कहां उपयोग करते हैं, जिसे आप ट्रक के नीचे में देखो, ये आगे वाला चक्का को हम बोलते हैं एक ग्राउंड है, एक रिएक्शन बोलते हैं, और पीछे वाला बैक रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है कि इंजन है, जब इंजन के द्वारा हम पावर ट्रांसमिट करते हैं तो लंबा सा शाफ्ट आता है, और शाफ्ट को और रियल एक्शन बैक रियल एक्शन को हम बोलते हैं, वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग नकल ज्वाइंट का उपयोग करते हैं। तो नकल ज्वाइंट का पावर ट्रांसमिट के मुख्य उपयोग है कि वो रोटरी आदि रेस्पोंडिंग मोशन को रोटरी मोशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। रेस्पोंडिंग मोशन को रोटरी मोशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब एक ऐसा ज्वाइंट है, एक कंट्रोलिंग ज्वाइंट है, इसको हम लोग आसानी पूर्वक शाफ्ट और बैक रियल एक्शन को आसानी पूर्वक हम क्या करते हैं जोड़ सकते हैं, और आसानी पूर्वक आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं निकाल सकते हैं। तो आपका ये पार्ट दिखाया गया है, इस पार्ट को हम आई पिन बोलते हैं, इस पार्ट को हम पेपर पिन बोलते हैं। ये जो होल है, होल में तो कलर है, कलर में होल बनाता है, और होल को जो साइज होती है पेपर पिन के साइज के लगभग बराबर होती है। ये आपका पिन है, क्या होता है कि इसको हम लोग इस पार्ट को इसमें हम लोग बैठा देते हैं, सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग करने के बाद में इस पिन को हम लोग ऊपर से डाल देते हैं या नीचे से डाल देते हैं। डालने के बाद में इस कलर को हम लोग इसमें लगाते हैं, कलर को लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं पेपर पिन से इसमें ज्वाइन कर देते हैं, मतलब पेपर पिन को होल में डाल देते हैं, वह क्या होता है ज्वाइन हो जाता है। तो ये आपका जितने पार्ट है, जितने पार्ट को हम लोग क्या किए हैं यहाँ असेंबल करके दिखाया है, असेंबली करके हम लोग क्या किए हैं दिखाया है, यही आपका नकल ज्वाइंट है। इसका उपयोग हम लोग खासकर ज्यादा ऑटोमोबाइल हम लोग उपयोग करते हैं जो रेस्पेक्टिव मोशन को रोटरी मोशन में चेंज करने के लिए। आज हम यही करके
आते हैं नेक्स्ट जो टाइप है कल हम बताएंगे इसके, इसलिए हम आपको थैंक यू कह रहे हैं।